नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं सीज फायर इंडस्ट्रीज से हूँ। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं या आग लगने की स्थिति में, आपातकाल स्थिति में आपको यहाँ से कैसे इवैक्यूएट करना है या टाइप्स ऑफ फायर के बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो आज हम वाघा हॉस्पिटल में इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा फायर के बारे में जानकारी देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फायर क्या है या आग क्या है। देखिए, आग आपका एक तीन चीजों का ये मिक्सचर होता है, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। और अगर आग को बुझाना है, इन तीनों में से कोई एक चीज आप हटा दोगे, आग बुझ जाएगी। यानी कि अगर पेट्रोल, डीजल कोई सोर्स नहीं होगा, फ्यूल, लकड़ी या कुछ भी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, आप ऑक्सीजन कट कर दोगे तो भी बुझ जाएगा, हीट अगर आप खत्म कर दोगे तो भी बुझ जाएगा, और फ्यूल नहीं होगा तो भी बुझ जाएगा। अब टाइप ऑफ फायर पे अगर हम आए तो बेसिकली 6 टाइप होती हैं, जिसमें डी टाइप मेटल फायर्स होती हैं, तो इनसे आपका कोई वास्ता जल्दी पड़ेगा नहीं, ये स्पेशल मेटल प्लांट्स वगैरह में जरूरत पड़ती है। मेन होता है आपका ए क्लास फायर, यानी कि आपका पेपर हो गया, वुड हो गया, या आपकी फॉल सीलिंग की रूफ हो गई, लकड़ी हो गई, मेज हो गई, इस टाइप का मटेरियल। दूसरा आपका प्लास्टिक के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि सॉलिड। दूसरा आपका होता है बी क्लास ऑफ फायर, जो कि आपका होता है लिक्विड्स, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, या आपके जो एल्कोहल्स वगैरह आप यूज करते हैं ओटी वगैरह में, वो सारे फ्लेमेबल लिक्विड्स कोई भी हो सकते हैं वो। तीसरा होता है आपका गैसेस, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी या एनी टाइप ऑफ गैसेस विच आर फ्लेमेबल। तीसरा होता है आपका ये ई क्लास फायर, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर, यानी कि वो आग जो बिजली से शुरू हुई या जो शॉर्ट सर्किट से हुई, यानी कि एसी में अगर आग लगती है तो वो शॉर्ट सर्किट से ही यूजुअली लगेगी, तो उसको हम ई क्लास ऑफ फायर बोलते हैं। अब हमारे पास यहां पर फायर के लिए बेसिकली दो साधन है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है आपका, इसको हम आग बुझाने के काम में लाते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है। इसमें देखिए, ये आपको एक पिन दिख रही होगी, इस पिन को हम ऐसे पकड़ के बाहर खींच लेते हैं, ये पिन बाहर निकल जाती है और ये लीवर फ्री हो जाता है। उसके बाद हम इस लीवर को दबा करके और एट द बेस ऑफ फायर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का नियम है, जब भी आग लगेगी आपको ऊपर आग नहीं बुझानी है, आपको बुझानी है बेस पर, यानी कि जहां से उसकी जड़ हो। नीचे आप स्वाइप मोशन, जैसे झाड़ू लगाते हैं, बिल्कुल इसके पाइप को आप झाड़ू की तरह चलाएंगे और ये आग को जल्दी बुझा देगा। ये वाला जो है, इसको हम CO2 टाइप बोलते हैं, इसमें गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, सिलेंडर पे लिखा भी है B क्लास एंड C क्लास, यानी कि ये आपका पेट्रोल, डीजल पे और गैसेस पे अच्छा काम करेगा। ये बंद एरिया, क्लोज्ड एरिया में यूज होता है। इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर्स पे भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई मशीन है, कोई मॉनिटर है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये मेनली सभी क्लास की फायर्स पे काम करता है। इसके अंदर पाउडर भरा होता है, इसको बोलते हैं ड्राई पाउडर टाइप्स। ये किसी भी फायर पे काम करता है। अगर कभी आग लगती है तो आपको करना ये है कि इस पाइप को ऐसे इसमें से निकाल लेना है, ये पिन आपकी बाहर खींचनी होगी जैसे ये सील लगी है, उसके बाद ये प्लास्टिक का टुकड़ा बाहर आ जाता है। फिर जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा कि इसमें से एक पाउडर निकलेगा, जो पाउडर आग को बुझाएगा और आप सिलेंडर को लेकर के ऐसे 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 स्वाइप मोशन में चलाएंगे और आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सिलेंडर से आग बुझाने की। कई बार कई केसेस में आपके आसपास में अगर सिलेंडर नहीं है और वो जो फायर है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई मोटा तौलिया या मोटी चादर है, उसको पानी में डिप करके आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि पानी उस कपड़े को जलने नहीं देगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर स्टीम क्रिएट होगी, जिससे आपकी ऑक्सीजन डिप्लॉय हो जाएगी और फायर आपकी बुझ जाएगी। घबराना नहीं है, काम होकर के आपको एक्शन लेना है। अगर आपने फायर पर तेजी से एक्ट किया तो फायर कभी डिजास्टरस नहीं होगी, लेकिन अगर आपने उसको टाइम दिया, देखिए फायर के जो भी आग लगेगी छोटी लगेगी, बढ़ने में उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है कि किस क्लास की फायर है और वो कितना टाइम लेगी, पर फिर भी आप मान के चले 30 सेकंड से और 2 मिनट का टाइम हमारे पास होता है। अगर इसके अंदर किसी ने देख करके आग को बुझा लिया तो बहुत आसानी से इन्हीं सिलेंडरों के माध्यम से बुझ जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा आग बड़ी होती जाएगी और उसे बुझाना मुश्किल होता जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं इवैक्यूएशन की कि अगर आग लगती है तो उस केस में हमें करना क्या होता है। देखिए, पहली कोशिश तो अगर सिलेंडर है आप आग बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आग बड़ी हो चुकी है और आप नहीं बुझा सकते हैं तो आप कोशिश करेंगे सेफ पैसेज से बाहर निकलने की, यानी कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे, कभी लिफ्ट वगैरह यूज नहीं करेंगे फायर के केस में, क्योंकि फायर के केस में अगर आपकी लाइट जाती है तो लिफ्ट में आप फंस सकते हैं। दूसरा, हमेशा क्या होता है कि जो आग लगती है उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को कैजुअलिटी होती है वो दम घुटने से होती है, धुएं से होती है, जलने से बहुत कम कैजुअलिटीज पाई गई हैं एज पर सर्वे रिपोर्ट्स, ऐसा बताया गया है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी धुआं होता है वो ऊपर की सर्फेस में होगा, हॉट एयर्स पार्टिकल सभी ऊपर होंगे, तो आपको जमीन पे क्रोल करके चलना है, यानी कि लेट कर या बैठ कर, ताकि आप ज्यादा तेजी से चल सकें और आपको दूर तक दिखाई पड़े और आपका दम भी ना घुटे। कोशिश की जाती है कि पहले छोटे बच्चों को, महिलाओं को और मरीजों को बाहर निकालें और उसके बाद आप अपने आप को बाहर निकालें, दमकल को सूचना दें ताकि फायर डिपार्टमेंट से आकर के वो लोग आग पर काबू पा सकें।